गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी फॉर दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लेके आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर यूपीएससी प्री 2018, जो कि हमारा टारगेट है और होपफुली आपका भी टारगेट होगा। आप डेफिनेटली इसको क्लियर करेंगे। आज है हमारा डे 11, जिसके अंदर हम जो है 10 सेशन कर चुके हैं। आप अभी जुड़ रहे हैं तो पहले के सेशन जो है आप फॉलो कर लें। उसके अंदर जो हमने 10 सेशन किए, 10 सेशन के अंदर हर सेशन के अंदर 10 क्वेश्चन, तो आपके जो है 100 जो है करंट अफेयर के कंप्लीट क्वेश्चन जो है हाई क्वालिटी क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। तो इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेवेंट टॉपिक आपके जो है बहुत अच्छे से डेफिनेटली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राम और मैं यूपीएससी ऑलरेडी होके आ चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप भी जो है धौलपुर हाउस आपको जाने का मौका मिले और इसी साल जाने का मौका मिले। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, डेफिनेटली जो है आपको वहाँ से कॉल आएगी। और मैं तो ये सक्सेस के लिए मोटिवेशन तो बात की बात हो गई। अगर आप यूपीएससी और इस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो है आपने जो है दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम उठा लिया है। तो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर, यू आर एन मोटिवेशन फॉर अदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें। बस आपको ज़रूरत है सही डायरेक्शन की, सही गाइडेंस की, सही प्लानिंग की और उस प्लानिंग को सही से इम्प्लीमेंटेशन करने की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस सेशन। और जो है इसकी पीडीएफ जो है आप इस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लें। यहाँ पे भी मैं अपने ट्विटर हैंडल पे पीडीएफ अपलोड करता हूँ, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा स्टार्ट क्वेश्चन जो है लास्ट सेशन का, उसको लेते हैं। लास्टली हमने पूछा था पेंसिल पोर्टल के लिए। तो पेंसिल वैसे नाम से तो दिखता है पेंसिल, बट ये जो है एजुकेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो सीधा सा जो है स्टेटमेंट टू इसका इनकरेक्ट हो गया। ये बेसिकली चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है और ये एक पोर्टल डेवलप किया गया है चाइल्ड लेबर से, जिसके अंदर जो है कम्प्लीटली सेंटर गवर्नमेंट से लेके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी तक की अथॉरिटी में कम्प्लीट कम्युनिकेशन और हारमोनी डेवलप करने के लिए ये पोर्टल डेवलप किया, जिससे कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है यूनिक तरीके से हो और फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, जिससे कि जो चाइल्ड लेबर है उसको रोका जा सके, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। इसके डिटेलिंग देख लेते हैं। यहाँ पे सोनम ने इसका करेक्ट आंसर दिया है और इनका ये है कि ये स्कोर इनका 6 out of 9 है। तो आई विल से कि ये डिसेंट स्कोर है, ये अच्छा स्कोर है, ये गुड स्कोर है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपीएससी की जो प्री की कट ऑफ जाती है दैट इज़ अराउंड 55%। आप उसको लेंगे तो 55% के आसपास उसकी कट ऑफ जाती है। तो आप रेगुलरली अगर 60% के आसपास स्कोर कर रहे हैं ना, तो यू कैन कंसिडर कि यू आर ऑन द सेफ साइड, यू नॉट नीड टू वरी, ठीक है। और डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका स्कोर है ओवर द टाइम इम्प्रूव होगा। तो इसके डिटेलिंग देख लेते हैं कि ये पेंसिल जो है प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था। इट आल्सो इन्वॉल्व सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, आल्सो अदर पीपल, जो एनजीओस वगैरह है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है, इसके अंदर ये टारगेट किया जाता है। इट्स टारगेट इज़ गिविंग द एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फॉर्मल और इनफॉर्मल वे, ठीक है। तो बेसिकली ये एजुकेशन इस तरीके की है कि चाइल्ड लेबर से उनको हटाया जा रहा है जा सके। इसमें कोई लिटरेसी रेट का जो है 2030 तक का इसमें कोई टारगेट नहीं किया गया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने सेशन की तारीफ करी है, तो थैंक यू फॉर दैट। और डेफिनेटली आप जो है इस तरीके के एनकरेजिंग वर्ड्स जो है आप लेके आते रहें, आप बिल्कुल कमेंट में करते रहें, तो हमारे जो मोटिवेशन है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होता है। और काफ़ी लोग सजेशंस भी देते हैं, तो उसमें भी हम लोग उसको वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इनका सजेशन ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, तो हम ट्राई करते हैं कि डेफिनेटली 10 क्वेश्चंस में से सारे जो है डाइवर्स फील्ड के जो है क्वेश्चन रहे, और ओवर द टाइम हम अगेन कोशिश करेंगे कि किसी पर्टिकुलर कोई एक सेशन जो है, कोई एक या दो सेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन जो है सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम लेके आएंगे। तो डेफिनेटली अच्छा सजेशन है। तो आ जाते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। ये काफ़ी बार न्यूज़ में आता है, तो इससे पूछा गया है कि ये है क्या, बेसिकली ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये क्या है। तो नाम जैसा है वैसा इसका मतलब नहीं है, तो थोड़ा बच के रहना। और ऑप्शन इसका ये है कि ए बिजनेस एसोसिएशन फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक वेल डिफाइंड पर्पस, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स used in food processing for perishable items, a specific form of security offered to an investor in exchange for an equity stake in company, a business agreement in which the parties agree to develop for a finite time new assets by the contributing equity, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर कॉरपोरेशंस में
पर्टिकुलरली अगर कोई ऑब्जेक्टिव आपको वो अचीव करना हो और उस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से आप कम्प्लीटली फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक एजेंसी बनाते हो, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, एक ग्रुपिंग बनाते हो, एक टीम बनाते हो, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो डायमेंशंस है वो आप डिफाइन करते हो, तो वही जो है वो एक जो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल उसको कहा गया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इसका स्टेटमेंट ए करेक्ट हो गया, जिसके अंदर आप बिजनेस एसोसिएशन मेनली ये बिजनेस पर्पज़ के लिए कहा जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके अंदर जो है फंडिंग जुटाने के लिए या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इस तरीके के जो है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है वो डेवलप किए जाते हैं, और वो जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट होता है उससे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो है आप हटा देते हैं। तो ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर बात हो रही है। द नेम स्पेशल पर्पज़ व्हीकल इज़ गिवन टू एन एंटिटी विच इज़ फॉर्म फॉर ए सिंगल एंड वेल डिफाइंड एंड नैरो पर्पज़। द एसपीवी कैन बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज़, नो एसपीवी कैन बी फॉर्म फॉर एन अनलॉफुल पर्पज़। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, वो पर्पज़ जो है लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिए और उसके लिए आपने एक पर्टिकुलर सेटअप बना दिया। और फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटी विच आर कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी। An SPV is primarily a business association of persons or entities eligible to participate in association. ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लेके आए हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है चाइना अपना BRI जो है इनिशिएटिव है उसको यूरेशिया को कनेक्ट कर रहा है, और उससे रिलेटेड फिर इंडिया भी जो है अपने इनिशिएटिव कर रहा है, तो इंडिया डेफिनेटली इसका एक पार्टी है, और इंडिया जो है इंडिया अपने लिए जो है इंडिया के लिए फ्यूचर के लिए फॉरेन पॉलिसी के लिए कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि ये इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है, मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है, इंडिया, रशिया, ईरान, सीरिया। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्ट होता है मुंबई से, जो अपना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट होकर ये ईरान का पोर्ट एक है बंदर अब्बास वहाँ पे जाता है, वहाँ से जो है ये कैस्पियन सी से होता हुआ जो है अजरबैजान से होता हुआ वहाँ से रशिया के अंदर एंट्री करता है, तो ये अप टू जो मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर से होता हुआ ये नॉर्थ में जो है रशिया और रशिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसका जो है काफ़ी इसको पहले तो है कल्चरल लिंकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा था कि इंडिया जो है कल्चरल लिंकेज, और धीरे धीरे इसको जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेवलप किया जा रहा है, और इसके ये सारे मेंबर कंट्रीज़ है। इनिशियली इंडिया, ईरान एंड रशिया, इन तीनों ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद में और मेंबर ऐड होते गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, जिसके अंदर सारे ये मेंबर है। डिटेलिंग क्या है ये आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने यहाँ पे देखा था कि मुंबई से यहाँ से स्टार्ट होता है बंदर अब्बास जो ईरान है, यहाँ से अजरबैजान में जो बाकू है वहाँ से अस्त्राकान ये एक पोर्ट है, वहाँ से मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो ये पूरा और ये कन्वेंशनल रूट जो स्टैंडर्ड रूट है पहले जो ट्रेडिंग जो होती थी और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल होता था वो इस तरीके से यहाँ पे पहुँचते थे, तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए ये रूट को डेवलप किया गया। INSTC इज़ ए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एस्टेब्लिश इन 2000 बाई इंडिया, रशिया एंड ईरान। ठीक है, इट एम्स टू लिंक इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी वाया ईरान एंड ऑनवर्ड्स टू नॉर्दर्न यूरोप वाया सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। लेटर INSTC वॉज एक्सपांडेड टू इंक्लूड 10 न्यू मेम्बर्स। ठीक है, ये 10 नए मेंबर कंट्रीज आए, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान एंड सीरिया, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो डेवलपमेंट हुआ ना, ये भी रिसेंट डेवलपमेंट था इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, सीफीज की। ठीक है, तो सीफीज को लेकर अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, तो उससे ये क्वेश्चन बनाया है। उसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि द आइडिया ऑफ सीफी हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम द पीटर्सबर्ग समिट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन और उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात हो ना,
तो वहाँ पे जो है आपको आगे जो है केयरफुल हो जाना है। एक यूपीएससी में एक बार पहले क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ब्रिक्स नेशन के जो है ब्रिक्स नेशन की समिट के बारे में पूछा था, तो ब्रिक्स नेशन की समिट उसकी लोकेशन और उसका ईयर तीनों एक ही स्टेटमेंट में दे दिया था, तो वह काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। अगर उसमें से एक भी चीज़ जो है मिसिंग आपकी होगी तो क्वेश्चन पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है आप जज नहीं कर पाओगे। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर परसिव्ड एज ए इंस्टीट्यूशन दैट आर टू बिग टू बी फेल, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर भी जो है अभी रिसेंटली कुछ बैंक्स को इस तरीके का दर्जा दिया गया है, तो आप जो है इसको ये पता करके बताओ कमेंट में कि कौन कौन से बैंक्स को जो है ना टू बिग टू फेल का जो है और SIFI का दर्जा दिया गया है। तो इसके अंदर एक तो PSU बैंक है और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसके जो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ये जो वर्ल्ड बैंक के जो है समिट नहीं थी, ये G20 कंट्रीज़ की समिट थी और वो समिट पीटर्सबर्ग में थी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रेफर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज इंस्टीट्यूशन हुज डिस्ट्रेस और डिसऑर्डर अर्ली फेलियर बिकॉज ऑफ दैट साइज कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिस्टमेटिक इंटरकनेक्टेडनेस वुड कॉज सिग्निफिकेंट डिसरप्शन टू द वाइडर फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। आपको पता होगा कि जो डिप्रेशन 2007-8 वाला जो डिप्रेशन था, 2008-9 वाला डिप्रेशन जो था यूएसए से स्टार्ट हुआ था, और यूएसए में जो लेमान जो ब्रदर्स वाले जो कंपनी जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वो फेलियर इसलिए हुआ था कि वो उसका इंटरकनेक्टेडनेस इतना बड़ा था कि उसकी वजह से बाकी इंस्टीट्यूशन जो है उससे डायरेक्टली इफेक्ट हो गए। तो इसमें ये कहा गया है कि जो जो सिस्टमेटिकली जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको जो है पर्टिकुलरली एक अलग तरीके से रखा जाए और उनका जो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट और उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग तरीके से रेगुलेट होना चाहिए, जिसके अंदर जो बासेल नॉर्म्स है, जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बासेल नॉर्म्स है, Tier 1, Tier 2 जो नॉर्म्स है उनमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे बात हो रही है। एट ग्लोबल लेवल बेस्ड ऑन सजेशन ऑफ G20 लीडर्स इन पीटर्सबर्ग समिट इन 2009 FSRB स्पीयरहेड्स द एफर्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग ए फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग एंड रेगुलेटिंग सीफीज, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिफेंस से लेकर हैं, INS किल्टन सीन रिसेंटली इन न्यूज़, ठीक है, INS किल्टन को लेकर अभी चर्चाएं हो रही थी, तो ये क्या है? इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर स्टिल कवरेड एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ट इन कोलेब्रेशन विद USA, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल एम्फीबियस एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाई इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें डिफेंस वाली टेक्नोलॉजी में जो है आपको अवेयर होना पड़ेगा। पहला तो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी इंडिया के पास जो है वी सीरीज़ के एयरक्राफ्ट कैरियर है, विराट इंडिया ऑपरेट कर रहा है और उसके बाद अभी विक्रांत डेवलप किया है, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर तो डेफिनेटली नहीं है। दूसरा, यहाँ पे INS लगा हुआ है ना, INS इसका मतलब ये नेवी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप जो है ये एंटीसी बैलिस्टिक मिसाइल इसको यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है, एम्फीबियस एयरक्राफ्ट जो है इसको भी आप हटा सकते हो, एयरक्राफ्ट है तो INS नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपके पास कौन से दो ऑप्शन बचे, ये वाला और ये वाला, ये आपने हटा दिया क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आपको पता था, तो डेफिनेटली एक ये वारफेयर स्टिल कवरेट है। और इसकी डिटेलिंग हम देख लेते हैं कि ये क्या है। INS किल्टन इज एन इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर स्टिल कवरेट, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट मेजर वारशिप टू हैव ए सुपर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल रिजल्टिंग इन इम्प्रूवड स्टिल्थ फीचर्स लोअर टॉप वेट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। इट हैज़ बीन डिजाइन बाई द इंडियन नेवीज इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन जो कि डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन है और बिल्ड बाई द GRSE जो गार्डनरीज शिप बिल्डर्स है कोलकाता बेस्ड। इट इज़ द लेटेस्ट इंडिजीनियस वारशिप आफ्टर शिवाली क्लास एंड कोलकाता क्लास एंड सिस्टर शिप्स ऑफ INS कमोटा एंड कदमत, ये इसके जो है इसी सीरीज़ के अंदर ये कमोटा और कदमत और किल्टन, ठीक है, ये इनके जो नेमिंग है ना वो नेमिंग के भी जो आप मीनिंग अगर आप देखोगे ना तो ये सिमिलर मीनिंग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनमें से पता कर सकते हो कि आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये कमोटा कदमत और किल्टन जो है वो इन तीनों का क्या मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 5th है ग्रो सेफ फूड कैंपेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर M2, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं एक गाइडलाइन देता हूँ कि आप लोग क्या करो कि जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज़ है ना
मिनिस्ट्रीज़ क्या है, ओवर द टाइम कुछ प्रोग्राम चलाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाती है, और वो प्रोग्राम पीआईबी में मेंशन होते हैं, कई बार न्यूज़ में आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, मिस भी हो जाते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम से जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी डेफिनेटली उठा देती है। तो हमें पता होना चाहिए कि ओवर द टाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये और या फिर कैंपेन जो है ये चलाते हैं। जैसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हैकेथन चलाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इंटरनेशनल लेवल पे उनको काफ़ी तारीफें मिली थी। तो इस तरीके के जो चीज़ें आपको दिमाग में रहना चाहिए कि वो इनका एम मोटिव क्या है। तो ग्रो सेफ फूड का हम बात करते हैं, इसके ऑप्शंस है टू कर्ब द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, प्रमोट द यूजेस ऑफ सॉयल हेल्थ कार्ड एमंग रूरल फार्मर्स, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेफ एंड जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, प्रमोट यूजेस ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर फॉर इरीगेशन। ठीक है, तो इसके अंदर दिया हुआ है ग्रो सेफ फूड। ठीक है, तो इसमें इसका प्रोविज़न क्या है कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसके अंदर जो है इन्होंने बताया कि सेफ एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड का इसमें प्रोविज़न दिया है। अब इसके अंदर जो है पिछले 2-3 साल से एनवायरनमेंट रिलेटेड काफ़ी रिपोर्टिंग आ रही है कि पेस्टिसाइड के यूजेस से जो ह्यूमन के अंदर ह्यूमंस के अंदर और ह्यूमन लाइफ में जो है काफ़ी जो है डिजीज़ के और इससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पेस्टिसाइड के ओवर यूज़ से मेनली इसमें रीज़न ये बताया है कि जो है जितना यूज़ होना चाहिए उससे ओवर यूज़ हमारे यहाँ पे करते हैं, क्योंकि फार्मर्स को जो है क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और जो पेस्टिसाइड यूज़ की टेक्निक्स है, पेस्टिसाइड कैसे देना है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वो टेक्निक्स आउटडेटेड है, उसमें क्लियर इंडिकेशन नहीं है, क्लियर जो है उनकी ट्रेनिंग नहीं है। तो इसमें ये बात हुई है कि जो अवेयरनेस ऐसी डेवलप करी जाए जिसके अंदर एक तो यूज़ करने का तरीका हो जिसमें कि क्लियर मास्क लगाना है या फिर उनको विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है या विंड की डायरेक्शन में करना है वो उनको बताया जाए, या फिर उसका कितना यूज़ करना है ये बताया जाए। तो उससे क्या होगा कि एक तो जो उसका पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा पौधे के ऊपर भी जो है उसका इफ़ेक्टिवनेस उसकी बढ़ेगी। तो ये इसका बेसिक फीचर है। तो ग्रो सेफ फूड कैंपेन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेफ एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन फार्मर वेलफेयर ने इम्फेसाइज किया था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे, विच प्रमोट्स बायोलॉजिकल कल्चरल एंड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल एंड एडवोकेट्स नीड बेस्ड जुडिशियस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ये हमने मोटे मोटे तौर पर चीज़ें डिस्कस कर ली। छठा क्वेश्चन है, इन विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स द एनुअल टॉय फेयर कांदेई यात्रा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ये अभी सेलिब्रेट हुआ था और काफ़ी जो है इसका जो है जिक्र हुआ था न्यूज़पेपर में। तो ये बेसिकली यात्रा जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है उड़ीसा में। तो यहाँ कुछ कुछ चीज़ों से आप जो है क्वेश्चन को कैच कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना उड़ीसा है। अब इसका कांदेई यात्रा इज़ ए यूनिक एनुअल टॉय फेयर जो है ये खिलौनों का मेला है, वह सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 8 एट कास्पा स्ट्रीट इन बहरामपुर उड़ीसा। द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द फुल मून नाइट ऑफ द हिंदू मंथ ऑफ श्रावण, विच इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज ए गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन इसको ये टॉय फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में था। SCO, इट इज़ ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इंडिया, अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान आर द मेम्बर ऑफ SCO। रेड्स बेस्ड इन ताशकंद इज वन ऑफ द परमानेंट बॉडी एसोसिएटेड विद द SCO, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था। ठीक है, तो इसके जो अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो पहला तो जो है इसका बेसिस बताता है कि ये इंटर गवर्नमेंटल है। ठीक है, तो ये तो ठीक हो गया कि इंटर गवर्नमेंटल है। शंघाई कोऑपरेशन आपको पता होगा कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना में बेस्ड है और चाइना लीडेड ये प्रोग्राम है। और उसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ में ना, मेंबर कंट्रीज़ के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं है, मेंबर कंट्रीज़ आप जो है इसके याद कर लो। अभी रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान को इसके अंदर ज्वाइन किया था, इंडिया और पाकिस्तान को, और उससे पहले वाले कंट्रीज़ को आप याद कर लो। तो अफगानिस्तान इसका पार्टनर नहीं है, अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 इसका इनकरेक्ट हो गया। और ये जो रेड्स जो है वो ताशकंद समझौते के अंदर इसका हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर को डेवलप करता है और उस पर काम करने की बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सामूहिक रूप से एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर काफ़ी
कम ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रीजनल अनबैलेंसिंग और रीजनल जो टेररिज्म से रिलेटेड इश्यू से जुड़े हुए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। डिटेलिंग क्या है, द SEO कंप्राइजेस 8 मेंबर स्टेट्स, नेम ऑफ इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान एंड पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान इसका नहीं है, तो ये आपको याद करना है कि कौन कौन से मेंबर है, 8 मेंबर कौन कौन से हैं। पहले 6 थे, इंडिया और पाकिस्तान को बाद में ऐड किया। द ऑर्गेनाइजेशन है 2 परमानेंट बॉडी, पहला तो जो है SEO सेक्रेटरीट है बीजिंग के अंदर। ठीक है, ये कॉपरेशन तो शंघाई कॉपरेशन है बट इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे, बीजिंग में, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दूसरा, इसका एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेट्स जो है ये ताशकंद के अंदर ये सेटअप किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संपदा स्कीम हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस स्कीम रिलेट्स टू, ये स्कीम किससे रिलेटेड है, संपदा स्कीम की बात हो रही है, संपदा। ठीक है, तो डबलिंग द इनकम ऑफ पीपल हु डिपेंड्स ऑन कॉटेज इंडस्ट्री, एम्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ MSMEs बाई इन्फ्यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, डबलिंग द इनकम ऑफ वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एन अम्ब्रेला स्कीम विच इनकॉर्पोरेट्स ऑल द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आंसर आप लॉक कर दो फिर मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है डी, ये जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सप्लाई चेन के अंदर इसकी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों साइड के अंदर जितनी भी स्कीम्स चल रही है उसकी ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर सारी स्कीम्स को लेके आके और इफेक्टिवली इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, सारी स्कीम्स का जो है बेटर आउटकम कैसे निकाला जा सकता है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। संपदा इज ए अम्ब्रेला स्कीम इनकॉर्पोरेटिंग ऑनगोइंग स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री लाइक मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे जो है इनके इसके संपदा स्कीम के अंदर लाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन हमने स्कीम से लिया है, इस स्कीम के अंदर इस बार पूछा है कि कौन कौन सी स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई है और उसका जिनका पर्पज़ जो है इक्विटी मेंटेन करना है। ठीक है, जिसके अंदर इक्विटी बनाए रखने की बात होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर दो चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। पहला तो इनमें से देखना है कि कौन सी जो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD की है और उसके बाद उनमें से कौन सी जो है वो इक्विटी जो है वो उसको बनाने की बात करती है। तो पहली स्कीम है किसान विकास सक्षम साक्षर भारत स्वयं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर जो है हिंदी में प्रोनाउंसिएशन और हिंदी में जो ट्रांसलेशन काफ़ी गलत हुआ है, तो आप इसको इधर से रेफ़र कर लें। इसका करेक्ट आंसर है ए, जिसके अंदर स्वयं जो है इसका इक्विटी के लिए नहीं है। ये चारों स्कीम बेसिकली जो है MHRD ने ही जो है इसको लॉन्च किया था बट ये इक्विटी की बात नहीं करती है। तो इसकी डिटेलिंग देखते हैं, किसान विकास क्या है, द एम, इसका एम क्या है, किसान विकास प्रोग्राम इज़ टू इंट्रोड्यूस स्कूल चिल्ड्रन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, टू द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन इन द कंट्री एंड टू मोटिवेट डैम टू प्रोस्यू साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो उनको जो है कंट्री के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एनरोल कराने की बात की गई है, तो एनरोल कराएंगे तो डेफिनेटली जो है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इक्विटी को बढ़ावा मिलेगा। सक्षम इट इज एन स्कॉलरशिप फॉर डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, अगेन इक्विटी की बात हो रही है, MHRD ने इसको स्टार्ट किया था। साक्षर भारत इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च टू क्रिएट ए लिटरेट सोसाइटी थ्रू ए वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम फॉर नॉन लिटरेट एंड नियो लिटरेट ऑफ 15 ईयर्स एंड अबोव, ठीक है, नॉन लिटरेट और नियो लिटरेट की बात हो रही है कि 15 साल और उससे ऊपर जो भी लोग हैं उनको साक्षर बनाया जाए, तो अगेन यहाँ पे सभी को साक्षर बना दोगे तो यहाँ पे इक्विटी की बात हो रही है। स्वयं इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हियर लर्नर्स कैन चूज फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज वर्चुअली एवरी कोर्स दैट इज टॉट एज यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड स्कूल लेवल, ठीक है, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है, इसके अंदर कंपेरिजन नहीं है, कोई भी बंदा जो है ना कितना भी कोर्स कर सकता है, कितना भी कोर्स सीख सकता है, इसमें इक्विटी की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट की बेसिकली बात है। हमारा स्टार्ट क्वेश्चन आज का है फास्ट टैग की, हम बात कर रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में था फास्ट टैग, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, पिछले काफ़ी सेशंस में जो है हमने थोड़े डिफिकल्ट स्टार्ट क्वेश्चन दिया, तो आज मैंने जो है जानबूझ के थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया ताकि आप जो है थोड़ा कंफर्ट फील करें। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव टू रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम ऑफ कार्गो शिप, इनिशिएटिव टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी,
proposal to set up electrical vehicle charging station along the national highways, electronic toll collection program on the toll plazas of national highways. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो फास्टैग जो है ना, अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डिटेलिंग जो है करेक्ट ऑप्शन के साथ कमेंट में करोगे, और उसके साथ आप जो है फास्टैग की, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन लेने का जो पर्पज़ ये था कि आप फास्टैग से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, आप फास्टैग को कैसे यूज़ करोगे, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, वो आपको बतानी है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा जो है मॉडस ऑपरेंडी, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं पूरे इस सेशन का कार्यप्रणाली, हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस सेशन को करते हैं। तो उस सेशन के अंदर जो है आपको क्या करना है, 1 to 9 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, उसके बाद में क्वेश्चन 10 जो स्टार्ट क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है, उसकी डिटेलिंग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोग इसमें जो है आप शेयर करते हो, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप दूसरे लोगों के जो है, आप दूसरे एस्पिरेंट्स के जो है आंसर आप देखें, अपने आंसर से कंपेयर करें, और लोगों को अप्रिशिएट भी करें उनको कमेंट करके कि आपका आंसर अच्छा है या उसमें कैसे ऐड ऑन हो सकता है, ताकि एक जो है इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म हो, आप भी आपस में जो है डिस्कशन कर सकते हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, फिर आप अपना स्कोर जो है पोस्ट करें। और स्कोर के बारे में हमने देख लिया कि काफ़ी लोगों के अच्छे स्कोर आ रहे हैं, और जिसके अच्छे नहीं आ रहे हैं वो ओवर द टाइम प्रैक्टिस करेगा तो उनके इंप्रूव हो जाएंगे। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे, डू लाइक शेयर एंड दिस सेशन एंड राइट योर ओपिनियन एंड कीप स्माइलिंग, कीप योर थम्स अप, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू वेरी मच।